साल के पापा। कुछ पता चला तुम्हारी भगौड़ी बीवी का? किसके साथ भागी है? आप शायद भूल रहे हैं कि वो आपकी बहू भी है। अपने घर में अपनी फैमिली के पास बात हुई थी मेरी उनसे। कमाल है, घर तो उसे अकबर साहब भी छोड़ने जा रहे थे, लेकिन लगता है घर पहुंचने से पहले ही कोई नया गुल खिला कर गई है। वो तो घर जाना ही नहीं चाहती थी। चलो खैर, छोड़ो, दूर करो, हमारा क्या लेना देना इससे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम कब फैसला करोगे? कब तक गले में लटकाए फिरना है इसे? आज नहीं तो कल फैसला तो करना पड़ेगा। जो फैसला मुझसे करवाना चाहते हैं उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? आपको अलीजे की प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। बकवास कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी हमें कसास के बदले मिली। कसास में अलीजे ही आई थी ना, इसी शर्त में माफ किया था आपने उसके भाई को। मुझे एक साल से वो आप लोगों की जिल्लत और नफरत बर्दाश्त कर रही है, गुलाम बन के रही आप लोगों की। हिसाब तो पूरा हो गया होगा आपका। वो घर डिमोलिश हो चुका है और तुम जानते हो कि वहां प्लाजा बन रहा है। तो ठीक है, उस प्लाजा में से आपको अलीजे के उसके शेयर्स देने होंगे। सिर्फ इसी सूरत में मैं आपकी बात मानने का सोच भी सकता हूं। तो खोटा सिक्का है, साथ मुझे भी जलील करवाने पे तोला हुआ। क्या हो गया आपको? खामखा गुस्सा करके ना अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें, ऐसे कह दिया होगा उसने। और वैसे भी एक बात बताएं, आखिर को जिद करके वो इस रिश्ते को कितना खींच सकता है? एक बार शादी हो जाए ना उसकी रानिया से तो आप देखिएगा, बददिल होकर खुद ही तलाक दे देगा। अपने बरखुरदार से पूछ लो वो शादी करना भी चाहता है या नहीं। ये रट तो तुमने लगाई हुई है ना, रानिया से शादी, रानिया से शादी। उसने इनकार भी तो नहीं किया है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ख्याल करता है वो रानिया का। अरे दोस्त है वो उसकी, लिहाज करता है उसका। हाँ लेकिन एक बात सोच सोच के मैं परेशान होती हूँ, ये जो जायदाद है ना रानिया की, बस किसी तरह से तब्रेज के और अरहम के नाम हो जाए, वरना सारी जिंदगी ये तलवार हमारे सर पे लटकती रहेगी। रानिया की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ अरहम की है। मेरा ख्याल है फिर हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा इंतजार और सही। और वैसे भी सब कुछ मेरे हाथ में ही तो है। आपके हाथ में ही तो नहीं है कुछ, वरना मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने एक बेटे की शादी रानिया से कर दूं और चाहूं कि दूसरे की भी शादी हो जाए उससे। अरे मेरे तबरेज को लड़कियों की कमी है क्या? हजारों लड़कियां उसके लिए, मुझे तो बस एक ही फिक्र है कि ये जो जायदाद की फिक्र ना करो, वो मैं जब चाहूं अपने नाम करवा सकता हूं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि बरादरी वाले खामखा बातें बनाएंगे कि हम किसी का हक खा गए, और मैं इस तरह की कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता हूं।